बताने वाला हूँ सब कुछ। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि हमारा गेहूँ है उसमें पहली कोर जैसे दी जा चुकी है। देखिए ये क्या हुआ है, देखिए इसको जो बोया हुआ है गेहूँ, इसमें करीब जो जो गांव में ये बिजार घूमते रहते हैं, इन्होंने खा रखी है फसल, भारी मात्रा में फसलों को ये नुकसान पहुंचा रही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सर लाइक कीजिए और हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स कीजिए। इसमें लगभग पहली कोर दी जा चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज फिर मैं गुरुचन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको, जो वीट की फसल है यानी कि गेहूं की फसल है उसमें पहली कोर दी जा चुकी है और ये बिना केमिकल की फसल है जो उग रही है फिलहाल। इसमें गोबर की खाद यूज की गई थी और केंचे की खाद भी यूज की गई है। और ये देखिए अभी लगभग इसको 1 महीना हो चुका है। ये जो गाय वगैरह रहते हैं जंगल में घूमते, वे जानवर इसे खा लेते हैं। देखिए फिर भी ज़्यादा भारी नुकसान नहीं है, अभी फसल छोटी है तो अभी नुकसान नहीं है। इसलिए हमारे किसान भाई भी अपनी फसल का अत्यधिक ध्यान रखे और इसमें केमिकल का इस्तेमाल कम करे। और हमारा उद्देश्य है फसलें बचाए, केमिकल कम डालना है और मिट्टी को भी बचाना है साथ साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे जो किसान भाई है भारी मात्रा में केमिकल भी डाल रहे हैं लेकिन पैदावार कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारे किसान हैं बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं, बिल्कुल कर्जे में डूबते जा रहे हैं। किसानों को जितना वे बोते हैं उसका बहुत कम प्रतिशत उगा पा रहे हैं, काफ़ी नुकसान में जा रहा है हमारा किसान। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं गन्ने की पैदावार भी दिखाता हूँ, जो हमारे किसान भाई है कितना गन्ना बोते हैं और कितनी पैदावार निकाल पा रहे हैं। और जो गन्ना की पैदावार है वो इस साल बहुत ही कम निकली है उन किसान भाइयों की हमारे, और जबकि इससे ज़्यादा मात्रा में उन्होंने खाद भी डाला था। चलिए हम आपको गन्ने के खेत में लेकर चलते हैं। ये देखिए हमारे जो किसान भाई है, ये उनका गन्ना है, देखिए कितनी कम मात्रा में पैदावार हुई है। जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने इस जो ये गन्ना है इसमें लगभग सभी तरह का खाद पानी दे चुके हैं, फिर भी लेकिन पैदावार नहीं हो पा रही। देखिए गन्ने का जो साइज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज फिर मैं गुरुचन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा मैं आपको, जो वीट की फसल है यानी कि गेहूँ की फसल है उसमें पहली कोर दी जा चुकी है और ये बिना केमिकल की फसल है जो उग रही है फिलहाल। इसमें गोबर की खाद यूज की गई थी और केंचे की खाद भी यूज की गई है। और ये देखिए अभी लगभग इसको 1 महीना हो चुका है। ये जो गाय वगैरह रहते हैं जंगल में घूमते, वे जानवर इसे खा लेते हैं। देखिए फिर भी ज़्यादा भारी नुकसान नहीं है, अभी फसल छोटी है तो अभी नुकसान नहीं है। इसलिए हमारे किसान भाई भी अपनी फसल का अत्यधिक ध्यान रखे और इसमें केमिकल का इस्तेमाल कम करे। और हमारा उद्देश्य है फसलें बचाए, केमिकल कम डालना है और मिट्टी को भी बचाना है साथ साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे जो किसान भाई है भारी मात्रा में केमिकल भी डाल रहे हैं लेकिन पैदावार कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारे किसान हैं बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं, बिल्कुल कर्जे में डूबते जा रहे हैं। किसानों को जितना वे बोते हैं उसका बहुत कम प्रतिशत उगा पा रहे हैं, काफ़ी नुकसान में जा रहा है हमारा किसान। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं गन्ने की पैदावार भी दिखाता हूँ, जो हमारे किसान भाई है कितना गन्ना बोते हैं और कितनी पैदावार निकाल पा रहे हैं। और जो गन्ना की पैदावार है वो इस साल बहुत ही कम निकली है उन किसान भाइयों की हमारे, और जबकि इससे ज़्यादा मात्रा में उन्होंने खाद भी डाला था। चलिए हम आपको गन्ने के खेत में लेकर चलते हैं। ये देखिए हमारे जो किसान भाई है, ये उनका गन्ना है, देखिए कितनी कम मात्रा में पैदावार हुई है। जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने इस जो ये गन्ना है इसमें लगभग सभी तरह का
खाद पानी दे चुके हैं, फिर भी लेकिन पैदावार नहीं हो पा रही। देखिए गन्ने का जो साइज